ये हो गया वो, उसको छोड़ो अब कितने स्टेट में जाने वाले हो वो तो चिंता करो आप, रवानगी कितनों में से, उस फैसले से ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं। तीन चार पांच पार्टियां मिलके वहां हो सकता है कि आप लोग कुछ कर लोगे, लेकिन ज्यादा राजी होने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश भी आपके हाथ से कभी भी निकल सकते हैं, इसकी भी आपको चिंता करनी चाहिए। कुछ कांग्रेस के लोग खुश हो रहे हैं, हमारा अधीरंजन जी, कि महाराष्ट्र में ये हो गया वो, उसको छोड़ो अब कितने स्टेट में जाने वाले हो वो तो चिंता करो आप, रवानगी कितनों में से, उस फैसले से ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं। तीन चार पांच पार्टियां मिलके वहां हो सकता है कि आप लोग कुछ कर लोगे, लेकिन ज्यादा राजी होने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश भी आपके हाथ से कभी भी निकल सकते हैं, इसकी भी आपको चिंता करनी चाहिए। सभापति महोदय, सदन में आज राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान संशोधन विधेयक 2019 पर चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से इस बिल के आने के बाद जो चार स्टेट के चार संस्थाओं को इससे जोड़ा गया है, वहां से डिग्री और डिप्लोमा वहां के छात्र छात्राओं को मिलेगी और उन्हें रोजगार के नए साधन मिलेंगे। ये मैं इस बिल के समर्थन के अंदर अपनी बात कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, 1961 में स्थापित वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध के लिए 1956 की औद्योगिक पॉलिसी के संकल्प के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इस बिल के आने से चार स्टेट हमारे जो आंध्र प्रदेश में अमरावती, मध्य प्रदेश के भोपाल, आसाम के जोरहाट और हरियाणा के कुरुक्षेत्र के नए केंद्रों को इस कानून के दायरे में लाकर इन राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा इन इंस्टीट्यूट के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अंदर खुशी की लहर है, हर्ष की लहर है। लेकिन इसमें जो आज से पहले बैच निकले थे उनके बारे में भी एक यहां से क्वेश्चन रेज किया गया था, निश्चित रूप से उनको भी इसका कैसे फायदा मिले इस बारे में भी सरकार के संज्ञान में मैं मेरी बात इसलिए लाना चाहता हूं। मैं विश्वविद्यालय कॉलेज की राजनीति से आया हूं और हमेशा बेरोजगारों के लिए रोजगार को लेकर बड़े आंदोलन भी किए और यहां भी रोजगार को लेकर हमेशा मेरी बात रखता हूं। और मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी की सरकार का कि जब से सरकार का गठन हुआ उसके बाद एक से एक अच्छे बिल आए और अब जिस तरह बेरोजगारों के लिए और किसानों के लिए हमें उम्मीद है कि सबसे पहले धारा 370-35 जरूरी थी, उसके बाद राम मंदिर का फैसला जरूरी था। सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिलने से डिजाइन शिक्षा सामाजिक तौर पर अधिक समावेशी होगी। इसके अलावा इससे कृषि, स्वास्थ्य सेवा और परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों में डिजाइन की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। सभी मुद्दा देश को इस बात की खुशी है कि आज जिन चार संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जा रहा है वो डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं दे सकते थे क्योंकि वो सोसाइटी एक्ट के दायरे में थे, मगर ये बिल पास होने के बाद इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को, छात्रों को डिप्लोमा या डिग्री देने का अधिकार मिलेगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के साधन बढ़ेंगे। और सभापति महोदय, ये प्रधानमंत्री जी की सोच है कि गांव में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए भी 70 साल जो खड्डे खोदे कांग्रेस ने, उनको जो अवरुद्ध विकास किया उसको खड्डों को भरने में भी समय लगेगा और विकास की नई बुलंद इमारत इस देश के अंदर खड़ी करेंगे। ये तो आज पता नहीं कैसे खुश हो रहे हैं कांग्रेस वाले, अधीरंजन जी सोच रहे हैं बस 2 दिन हमने हाउस करा के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, कितनी खुशी। ये तो ये खुशी ज्यादा नहीं चलेगी आपकी, आप चिंता मत करो, है बिल पर चलेगी। हाँ, जब चलेगी, जब सरकार चलेगी नहीं आपसे खेचतान हो जाएगी वहां भी। सभापति महोदय, वैसे तो मैं बिल पे बोल रहा हूँ, राजनीति पे आ गया, वापिस बिल पे आ रहा हूँ मैं। इस बिल के आने से मैं तो ये चाहूंगा कि ऐसे और बिल ज्यादा से ज्यादा लाएं और हमारे सेंट्रल सर्विसेज के अंदर जितने भी पद खाली हैं हम प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से भी आग्रह करेंगे कि उन सब पदों को भरा जाए। ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण छात्र जो हमारे गांव के अंतिम छोर पे बैठे हैं उनको किस तरह अच्छी शिक्षा मिले और कैसे अच्छी जगह वो
आम आदमी जयपुर दिल्ली के अंदर अपने बच्चे बच्चों को कैसे पढ़ा सके, और इस दिशा में प्रधानमंत्री जी चिंतित है। पहली बार किसी ने चिंता करी कि गरीब जो अंतिम छोर पर बैठा उसको उसको अच्छा घर मिले, उसको अच्छी चिकित्सा मिले, उसको शिक्षा मिले, ये आज से पहले किसी की सोच नहीं थी। तभी तो ये सारे सारे विधेयक इस सरकार को लाने पड़ रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकारें नहीं ला पाई। तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं सरकार को कि ऐसे नए नए बिल लाए जो आम आदमी गरीब आदमी के हितों की रखवाली करे, ध्यान दे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।